बाद आज 45 लॉकडाउन शुरू हुआ है और आप हमारे पीछे देख रहे हैं उदयपुर का ये मेगा प्रोसेसिंग प्लांट है जहां पर उत्पादन शुरू हुआ है और जो मजदूर जो वर्कर हैं वो पूरी तरह से 45 लॉकडाउन का पालन करते हुए पूरी तरह से मास्क में दिख रहे हैं और पर्याप्त दूरी भी बनाए रखी है। सैनिटाइज का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। हर वर्ग चाहे मजदूर हो या ऑफिस का कोई भी कर्मचारी हो उसका पूरा नियमों से पालन करवाया जा रहा है कि किस तरह से कोरोना से बचते हुए उत्पादन करें। हमारे साथ में यहाँ पर जो उद्योगपति हैं उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से आप बताएं कि किस तरह से आप बचाव के उपाय करके और आप शुरुआत करें। जो मैंने आपके सबसे बात किया था खाना वहीं पर खिलाते हैं और कोटे की व्यवस्था सब यही कर रखी है। उनका आने जाने का वगैरह कुछ आने की जरूरत नहीं है। कोई लोग नहीं रहते व्यक्ति नहीं रहते तो बहुत सारे हमारे ऐसे मेटीरियल हैं ऐसे मेटीरियल जो हमारा एक्सपोर्ट भी होता है। अब ये जब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उसके सप्लाई चेक ऐसे एक्सपोर्ट की बॉडी की सप्लाई चेक करेंगे तो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए ऐसी सिर्फ कमोडिटी है जो एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर आए हुए हैं वो लोग भी हम बना रहे हैं माल और माल बनाने के बाद में हम उसको मेडिकल पर ज़्यादा करके माल हमारा मेडिकल में जाता है और आई टी ग्रेड है। आई टी ग्रेड के हिसाब से मेडिकल मेडिकल में जा रहा है जिसके लिए वो रॉ मटेरियल है तो साबुन और डिटर्जेंट के अंदर भी रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल के हिसाब से ही हम माल बनाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा माल नहीं बनाए। आज जब आपने अपनी फैक्ट्रियाँ शुरू आज जब आपने अपनी फैक्ट्रियाँ शुरू की तो किस तरह की दिक्कत आ रही है उद्योगों में अन्य उद्योगों में भी किस तरह की दिक्कत आ रही है? समय सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है लेबर की। जो लोग यहाँ से अपने अपने गाँव में चले गए बंद करने के बाद क्या तो वहाँ से आ नहीं सकते आ नहीं सकते तो लोकल लेबर जो अपने प्राइवेट लोग हैं और जो ट्राइबल एरिया में अपने अपने घर चले गए उसका आने का साधन नहीं है उसकी फर्नीचर नहीं है इसकी वजह से वो फैक्ट्री हम चलाना चाहते हुए चला नहीं पाते। ये मार्बल यूनिट है या दूसरी कोई यूनिट है जब हम चलाना चाहें तो भी नहीं चला सकते क्योंकि वो सब अपने अपने घर में बैठे हुए और आने के लिए सरकार ने उनको अनुमति दे नहीं रखी कि जब तक अनुमति ऐसा बस से दूर जाना 70-80 किलोमीटर दूर जाना 100 किलोमीटर दूर जाना उनकी लेबर ले जाना लेकर जाना ले जाना पॉसिबल नहीं है। ये वो इसके जो चले चले किसी की जो बनेगी वो 3-4-5 बजे सरकार ने भेजा होगा उसके हिसाब से ही बनेगी उसके हिसाब से सप्लाई चलते उसकी फैक्ट्री चलेगा। इसका टोटल इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक में इतना भयंकर आएगा कि जो इसके गुजर रहेगा अगर 6-8 महीने साल पर लग जाएगा तो इसकी वजह से सरकार को आगे जो ध्यान रखना है ऐसे यूनिट को कैसे ऑपरेट करना है छोटे यूनिट को एमएसएमई यूनिट को बुला के आप अंदर डिस्कस करें खुले मन से डिस्कस करें और जो समस्या आ रही है उसके समाधान खुले मन से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है मुख्यमंत्री महोदय या प्रधानमंत्री महोदय खुद दे जाए करें तो क्या तरक्की देश की होगी नहीं तो तरक्की में व्यक्तन हो जाए। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से कोटा बसें भेजी और कोटा से स्टूडेंट को उत्तर प्रदेश लाया गया उसी तरह से सरकार कोई न कोई राज्य स्तर पर कोई व्यवस्था करे मजदूरों को लाने के लिए उनके कल कारखानों तक पहुंचाने के लिए क्योंकि मजदूर अपने अपने इलाकों में जा चुका है अब उनको वापस इकट्ठा करना बहुत ही कठिन काम है एक आम कारखाने मालिक के लिए। ये उदयपुर अंचल जो आदिवासी अंचल कहलाता है उसमें जब तक लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा आदिवासियों को नहीं मिलेगी तब तक कारखानों तक मजदूर नहीं पहुंच पाएगा। सरकार को कोई न कोई ऐसी कवायद करनी ही पड़ेगी कि एक बार उन फैक्ट्रियों तक मजदूर पहुंचे और उत्पादन जो शुरू किया है वो आगे भी नियमित जारी रह सके या अधिक उत्पादन हो सके। हेमेंद्र श्रीमाली उदयपुर कि जो भी गवर्नमेंट कंप्लायंसेज है गवर्नमेंट रूल्स है सैनिटाइज करना मास्क पहन के रखना उन लोगों सब फॉलो कर रहे हैं। अभी सिर्फ सॉफ्ट स्टोन इंडस्ट्री चालू हुई है तो हमारी जितने भी लेबर्स है इन हाउस लेबर्स वगैरह हैं वो सब मास्क पहन के रख रहे हैं और जो भी अंदर आता है मेक श्योर करते हैं कि वो सैनिटाइज करें अपने हाथ वगैरह
और फिर हम लोग यहाँ पे सैनिटाइजिंग ड्रम्स भी लाए हैं, तो हर जितने भी यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज है, वेयरहाउसेज वगैरह हैं, सब उसको सैनिटाइज कर रहे हैं बिफोर यूजिंग इट। थैंक यू। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा मॉडिफाइड लॉकडाउन तो शुरू हो गया है, फैक्ट्रियों में रौनक भी लौटी है, लेकिन मजदूरों की कमी खल रही है। फैक्ट्री मालिकों ने पूरे सिस्टम को चाक चौबंद कर दिया है, सारे नियमों का पालन भी हो रहा है, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो रही है, लेकिन मजदूर अपने घर को गए हैं, अब आए कैसे? जब तक लोकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सरकार नहीं करे, तब तक मजदूरों का लौटना यहाँ असंभव सा लगता है, क्योंकि आदिवासी अंचल होने से मजदूर काफ़ी दूर हैं।